हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी तरह के फार्मर्स के लिए इन्फॉर्मेशन बताएंगे, जैसे कि पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, पिग फार्मिंग हो गया, गॉड फार्मिंग हो गई, सबके लिए हम बताएंगे। इससे पहले भी हमने सभी तरह के फार्मर्स के लिए वीडियो लाए, इसलिए सभी तरह के फार्मर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे दिए घंटी का बटन भी दबा सकते हैं, ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो में हम बताएंगे सभी तरह के जानवर्स के लिए, चाहे वो गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, सुअर, पोल्ट्री, और सबके लिए यह है वीडियो है। और ज़्यादातर क्या होता है, जो कोई इन्फेक्शन होती है, कोई बीमारी होती है जानवर को, हम तुरंत उसको हमें इंजेक्शन देना पड़ता है, बट इंजेक्शन से काफ़ी एनिमल स्ट्रेस में चला जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंजेक्शन लगाने से आपको अवॉइड करना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर होता क्या है कि जब भी कोई मौसम में तब्दीली होती है, मौसम की तब्दीली की वजह से ठंड आती है, या फिर गर्मी आती है, या फिर बारिश का मौसम शुरू होता है, तो अक्सर उसमें क्या होता है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी एनिमल को। तो उसके टाइम पे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का डर होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या दूसरा कोई भी बीमारी हो गई, तो उसके लिए आपको जल्द से जल्द आप सोचते हैं कि उसको जल्दी ठीक करने के लिए आप इंजेक्शन दे दो। तो बट वो एंटीबैक्टीरियल जो आप देते हैं, उसका काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने की वजह से वो ऑफ फीड पर चला जाता है। अगर वो बच्चे हैं उसके साथ, उसको भी नुकसान, बच्चों को भी नुकसान होता है, दूध में भी कमी आ जाती है उसकी वजह से। तो इन सब का रामबाण इलाज है आपके पास, मैं बताता हूँ। एक टेट्रासाइक्लिन पाउडर आता है, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रेट बोलते हैं उसको, ज़्यादातर ये पोल्ट्री फार्म की जो शॉप होती है मेडिकल, वहाँ से मिलता है। तो ये टेट्रासाइक्लिन का जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा है, आपको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको आप रेगुलर आपके फार्म के ऊपर, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, चाहे वो सूअर फार्म हो, चाहे वो गॉड फार्म हो, चाहे फिर कैटल फार्म हो, या फिर और तरह के पेट एनिमल है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको आप अगर रेगुलर यूज़ करोगे, रेगुलर का मतलब है कि आप उसको या तो पानी में दे सकते हो जानवर को 15 दिनों के बाद, हर 15 दिनों के बाद, या 1 महीने के बाद, या फिर जब मौसम चेंज होता है, तब्दीली होती है, तब सबसे ज़्यादा डर होता है। तो आप रेगुलर इसको आप यूज़ करोगे, आप इसको फीड में डाल सकते हो, जैसे कि पिग फार्मिंग की जो फीड बनाते हैं हम, उस टाइम पे आपको हर महीने इसका एक पैकेट आता है, 100 ग्राम का पैकेट आता है वो टोटल, उसको आप फीड में मिक्स कर लीजिए, जितनी भी आपकी 1 क्विंटल की फीड है उसमें आप मिक्स करोगे तो, और इसको आप देते रहोगे एनिमल को, तो मैं श्योर करता हूँ कि आपकी आधी बीमारी तो पहले से ही ख़त्म हो जाएगी, आपको बीमारी आने से पहले ही इसका इलाज हो जाएगा। तो आप इसको रेगुलर यूज़ करके देखें और इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया रहेगा, डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करते हैं कि आप रेगुलर इसको यूज़ करें। तो हाँ, 15 दिनों के बाद या महीने बाद आप इसको यूज़ करें। तो जैसे कि मैंने आज वीडियो में बताया, सभी फार्मर्स के लिए है ये, तो आगे भी हम ऐसे वीडियो हम लेके आएंगे, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इसको, पोल्ट्री फार्म हो, सूअर फार्म हो, गॉड फार्म हो, कैटल फार्म हो, सभी तरह के फार्मर हमें सब्सक्राइब करें, आगे हम इसी तरह की वीडियो और भी लेके आएंगे। और अगर कोई भी डाउट होता है आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब की बिना मत जाना। थैंक यू। प्लीज़ मेरी और भी अच्छी वीडियोज़ है वो भी आप देखो, लाइक, शेयर, कमेंट, जितना हो सके भाइयों के साथ शेयर करो।